अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड बॉक्स के साथ कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं और माउस को अटैच कर सकते हैं। अगर इसके हम रिमोट कंट्रोल से यूज़ करें तो काफ़ी मुश्किल होता है इस बॉक्स को कंट्रोल करना जो एंड्रॉयड बॉक्स है। तो माउस हम इजीली इधर उधर कर्सल को मूव कर सकते हैं और कुछ भी टाइप करना हो तो हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमने कुछ भी टाइप करना हो तो कीबोर्ड से हम इजीली टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यूट्यूब पर कोई हम सॉन्ग या मूवी या कोई भी कार्टून सर्च कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, ईजिली लिखा जाएगा। इसके अगर हम रिमोट कंट्रोल से लिखें तो ज़रा डिफिकल्ट होगा, इधर माउस से भी अगर हम बार बार प्रेस करें तो ज़रा डिफिकल्ट होगा। अभी हम इसे कनेक्ट करते हैं, सिंपल वे है। ये मेरे पास X96 KU Pro है, इसका मैं पहले वैसे डाल चुका हूँ कि इसको चलाने का तरीका क्या है टीवी के साथ अटैच करने का। अब अभी हम देखेंगे कि इसको हम कीबोर्ड में किस तरह से चला सकते हैं इसके साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, जैसे करेंगे जो कीबोर्ड की वायर है जैसे हम पीसी के पीछे लगाते हैं, वो हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इसकी USB पोर्ट के साथ। ये इस जगह पर आप देख सकते हैं, तो ये मैंने अटैच कर दिया इसके साथ जैसे हम पीसी के साथ अटैच करते हैं। और मैंने अपना माउस भी अटैच किया हुआ, ऑलरेडी वायरलेस माउस है तो मैंने उसकी USB पोर्ट के साथ ये चिप इसकी मैंने बीच में इंस्टॉल कर दिया ऑलरेडी। ये आपने लगा देनी है तो ये ऑटोमेटिक उठा लेता है जो वायरलेस माउस होता है। मेरे पास अभी वायरलेस कीबोर्ड नहीं था तो मैं ये कीबोर्ड जो है वायर वाला उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। वायरलेस भी सेम जैसे माउस हुआ हुआ या ये हुआ हुआ इसी तरह कनेक्ट होता है वो भी। और जितनी भी डिवाइसेज हैं सब जो एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं सब इसी तरीके से वर्क करती हैं और इसी तरीके से ऑन होती हैं। इस वीडियो में आप ये भी जान जाएंगे ये अटैच कैसे होती है पीसी के साथ, क्योंकि पहले मैं वैसे वीडियो डाल चुका हूँ बट मैंने कीबोर्ड और माउस वाली नहीं डाली। तो अभी ये तीनों चीज़ें आपको इसी वीडियो में नज़र आ जाएंगी। अब हम इसको टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं। टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए HDMI की जो वायर है ये एक टीवी के साथ आपने पीछे बैक साइड पर लगा देनी है। इस जगह पे हर टीवी के पीछे जगह होती है और ये HDMI की वायर आप देख सकते हैं इस तरह की ये दिखने में लगती है। तो ये आपने इधर एक जगह होगी इसके साथ बॉक्स के साथ, हर बॉक्स के साथ होती है जगह यहाँ पे बैक साइड पे, ये आपने अटैच कर देनी है। यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया और ये इसकी मेन ऑन ऑफ वाली वायर है अडैप्टर वाली, तो ये लगाएंगे तो ये अभी ऑन हो जाएगी आपकी डिवाइस। ये डिवाइस आप देख सकते हैं ऑन हो चुकी है। सब डिवाइस इसी तरह से वर्क करेंगी, कीबोर्ड की वायर भी लग चुकी है और माउस वाली भी लग चुकी है। अब हम टीवी को ऑन करते हैं। टीवी को मैंने ऑन किया, अब ये मैं जाऊंगा इसकी सेटिंग में HDMI वाली। सो ये एंड्रॉयड बॉक्स की सेटिंग आ चुकी है मेन। सबसे पहले मैं अपना माउस चेक करता हूँ मेरा माउस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देख सकते हैं मेरा माउस ईजिली वर्क कर रहा है। कर्सल रिमोट कंट्रोल से अगर करें तो बटन को हाथ रखे ही रखना होता है, प्रेस करे रखना होता है, तब वो इधर उधर मूव होता है। तो अब ये देख सकते हैं इसे ईजिली ये मूव हो रहा है। अब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि मैं YouTube खोलता हूँ और कीबोर्ड से टाइप करने की ट्राई करता हूँ कि उसे टाइप होता है या नहीं होता। अब ये YouTube ओपन हो चुका है, हम सर्च में चलते हैं। सर्च में जाके अब हम टाइप करते हैं। वैसे अगर मैं ये देखें ये माउस से प्रेस करता हूँ, मैंने ये लिखना है RJA, तो मुझे एक चीज़ को प्रेस करना पड़ता है इस तरह से। अब हम देखते हैं कीबोर्ड से ये प्रेस होता है कि नहीं होता। मैं लिखता हूँ A, लिख रहा है W, मतलब ये सारा कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप ये लिखा जा रहा है इससे। तो ये इजीली कीबोर्ड आपका इस पर चल सकता है। तो पूरा ये सेटअप आप कर सकते हैं वायरलेस। अगर आप कीबोर्ड लें तो आपके लिए इजी होगा, जैसे मैंने वायरलेस माउस रखा हुआ है। फंक्शन सेम इजीली पीसी की तरह हो जाएगा, जैसे आप बैक करते हैं या फोल्डर के अंदर जाते हैं उस तरह से ये वर्क करता है। माउस से और ये कीबोर्ड से बहुत ईजी हो गया एंड्रॉयड बॉक्स चलाना। अगर हम इसके रिमोट से चलाएं तो बहुत मुश्किल है, रिमोट से आप इसके ना ही चलाएं तो बेहतर है। आप इसी से सारा ऑपरेट कर लें तो बहुत ईजी होगा। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने HDMI केबल से एंड्रॉयड बॉक्स को अटैच किया है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ता, बस HDMI की वायर लगानी, अटैच हो जाएगा तो ये चल जाएगा एंड्रॉयड बॉक्स आपका सिंपल। एंड सेकंड, ये माउस की आपने USB की पोर्ट में लगा देनी है, इसकी चिप है छोटी, माउस आपका चल जाएगा वायरलेस तो सेम लाइक कीबोर्ड भी आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।